आज जायंट कमला ने माइकल को मार के उसे पेड़ पे लटका दिया और उसने अपने काली शक्ति से बहुत सारी कमला बनाई। उनमें से एक कमला को मैंने पकड़ के जेल में बंदी बनाकर रखा है और उसी के साथ तीन और अलग अलग घोष्ट को भी। देख माइकल, मैंने बहुत सारे भूतों को अपने न्यू हाउस में पकड़ के रखा है, इसलिए अब तेरा यहाँ रहना सेफ नहीं है। चलो राजू भाई, हम माइकल को उसके घर छोड़ के आते हैं। हाँ, उस कमला की नजर हमारे हाउस पे पड़ चुकी है, इसलिए अब हम इधर नहीं रह सकते। अरे वाह वाह, ये गोरिल्ला मैन को देखो, सुबह सुबह बॉडी बनाने लग गया। चलो सभी आ जाओ, हमारे घर के सामने बहुत खोपड़ियाँ पड़ी है, इनको पहले हटाते हैं। अरे बाप रे राजू भाई, एलियन फिर से आ गया। ओबे, इसे तो मैंने मार दिया था, ये फिर कैसे आ गया? अब इसे बोतल की आँख फेंक के मारूंगा। हाँ राजू भाई, इस एलियन को जला डालो। जायंट एलियन, तू फिर से क्यों आ गया? ये ले। अरे ये आँख की बोतल तो इसके आर पार जा रही है। हाँ अब जाके लगा ना, और बोतल फेंकता हूँ ताकि ये दोबारा जिंदा ना हो सके। अरे ये तो पूरी काली पड़ गई है, इसके चारों तरफ भी आग लगा देता हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से जल जाए। राजू, एलियन मशीन को भी उड़ा दो। हाँ, ये डॉक्टर झटका की मशीन की वजह से ये एलियंस हमारे शहर में आ गए, इस एलियन मशीन को पहले यहाँ से हटाना होगा। लेकिन राजू, हमें डॉक्टर झटका को भी बचाना है जिसे एलियन लोग उठा के अपने प्लैनेट में लेके गए। हाँ चलो, तुम लोग यहीं रुको, मैं अपने एलियन सूट को लेके आता हूँ। राजू अरे बाप रे, और एक एलियन आ गया। अरे नहीं राजू भाई, ये एलियन तो खत्म ही नहीं हो रहा है। कैसे नहीं होंगे? राजू, और एक आ गया। कोई आगे मत आना, मैं इनको भी बोतल फेंक के जलाता हूँ। अरे नहीं, बोतल तो इनके आर पार जा रही है। और एक फेंक के देखता हूँ। अरे ये बोतल तो ऊपर फूटने की वजह नीचे ही फूट गई, और सामने जाके मारना पड़ेगा। अगर मैं इनके पैर पे मारूं तो शायद ये लोग जल जाएं। अरे तुम लोग ज्यादा पास मत आओ, ये एलियन जला तो तुम लोगों के मुंह पर ही गिरेगा। ये फेंका। चलो, इनका भी खात्मा हो गया, लेकिन और भी जायंट एलियन हमारे शहर में आ सकते हैं, इसलिए हमें उनके मशीन को पहले उड़ाना पड़ेगा। पहले तोप से इनके बॉडी को उड़ाता हूँ, उसके बाद इनको मशीनों को तबाह कर दूंगा। अरे राजू भाई, पहले माइकल को उसके घर छोड़ के आते हैं, वो कमला इसे ही पहले मारेगी। अरे आहिस्ता बोलो, कमला ग्रैनी हाउस के अंदर ही है। चलो तुम लोग अभी जल्दी कार में बैठ जाओ, आज रात हम माइकल के घर में ही रहेंगे। हाँ चलो चलो, मैं तो आपके साथ ही बैठूंगा। अरे सामने तो हड्डी मैन बैठ गया। चलो फिर मैं पीछे ही बैठता हूँ। चिंकी जल्दी आ जा। हाँ, आ रही हूँ। अरे ये माइकल मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? चल हट। अरे माइकल, तू दूसरी कार लेके आ जा, जल्दी कर, हम देर नहीं कर सकते। अरे ये हमारे पास क्यों आ रहा है? राजू भाई, मैं चला जाता हूँ दूसरे कार में। तुझे कार चलाना आता है? हाँ राजू भाई, मैंने सीख लिया। तो ठीक है, माइकल तू हमारे कार में बैठ जा। अरे चिंकी क्या देख रही है, जल्दी बैठ। हाँ जा रही हूँ, हट जा माइकल, मैं इधर बैठूंगी। अरे अब ये पोपलू क्यों इधर आ रहा है? चलो राजू भाई, मैं बैठ गया। अरे सभी बाहर निकलो। क्या हुआ राजू? अरे हमारे घर के सामने जो एलियन टावर थे वो कहाँ चले गए? लगता है एलियन लोग भाग गए। वो लोग ऐसे कैसे चले गए? कहीं उन लोगों ने मेरे एलियन सूट को तो नहीं लेके चले गए? नहीं, एलियन सूट ये तो इधर ही है, इसको कहीं छुपाना पड़ेगा। क्या हुआ, एलियन सूट मिला? हाँ वो अंदर ही है, लेकिन ये एलियन टावर जा कहाँ सकता है? छोड़ो राजू भाई, अच्छा ही हुआ चला गया। सभी आ जाओ, अब हम लोग इस आर्मी ट्रक पे बैठ के जाएंगे। उन एलियनों का कुछ भी भरोसा नहीं है, हमें अलग नहीं होना है, नहीं तो वो एलियन डॉक्टर झटका की तरह हमें भी गायब कर देगा। हाँ राजू भाई, सही कहा। चल चल पुपलू, जल्दी बैठ। अरे तू दूसरे साइड से उठना, इतनी बड़ी ट्रक है। मैं तो इधर से ही उठूंगी। चलो कोई भी आवाज मत करना, उस कमला को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग इस न्यू हाउस को छोड़ के जा रहे हैं। अरे राजू भाई, ये ट्रक उड़ क्यों रही है? अरे वो ग्रैनी हाउस के सामने ऐसा ही होता है, उधर काली शक्तियाँ रहती है ना। उन काली शक्तियों को हमारे ट्रक का काला धुआं खिला दो। ज्यादा मत बोल, कमला सुन लिया तो तेरा खेल खत्म। अरे ये माइकल का घर विलेज एरिया में क्या कर रहा है? अरे ये है क्या माइकल का घर? हाँ राजू भाई, माइकल बोल रहा है यही उसका घर है। लेकिन इतने बड़े मिलियनेयर के पास इतना छोटा घर, मुझे तो लगा इसके पास बहुत बड़े बड़े बंगले होंगे। ये शायद जुए में सारा पैसा हार गया। चलो अब तो हमें इसी घर में ही रहना पड़ेगा, और हमारे पास कोई घर भी नहीं है। अरे मैं फंस गई, कोई मुझे निकालो। लो तू उधर क्या करने गई थी? रुक जा, हड्डी मैन को बुलाता हूँ। हड्डी मैन चिंकी को निकाल ट्रक से। नहीं, मैं खुद निकल जाऊंगी। चलो ठीक है। अरे माइकल इतना शराब पीता है, इन सारे बोतलों को फोड़ दूंगा। अरे रहने दो ना राजू भाई, करेंगे दारू पार्टी। पार्टी तो कमला करेगी, बस रात होने दे, फिर पता चलेगा। तुम लोग घर के अंदर जाओ, मैं थोड़ा साइकिलिंग करता हूँ। अरे अरे ध्यान से, अभी मुझे लग जाता। अरे माइकल तेरी सुपर कार सब कहाँ गई? ये सब कुछ हार गया जुए में। चलो मैं निकल गई। मैं चलता हूँ, तुम लोग घर के अंदर से निकलना मत,
अरे नहीं राजू भाई, हमें अकेला छोड़ के मत जाओ। अरे मैं सोच रहा हूँ, अगर हम लोग हमारे ओल्ड हाउस को उठा के न्यू हाउस के सामने लेके जाए तो कैसा रहेगा, हम अपने न्यू हाउस पर भी नजर रख पाएंगे। हाँ राजू भाई, मस्त प्लान है। चलो फिर बैठ जाओ जल्दी ट्रक पे, हम इसमें अपने हाउस को उठा के लेके जाएंगे। राजू भाई मैं अभी आपके साथ बैठूंगा। ठीक है तो चलो ओल्ड हाउस। अरे रुक जाओ, मैं अभी तक बैठी नहीं हूँ। हाँ अब चलो। चल चिंकी, हम जब तक ओल्ड हाउस पहुँच नहीं जाते तू थोड़ी देर गाना गा। ठीक है राजू। या मीजे तुमार, सुदूजे तुमार। अबे ये कैसी डरावनी गा रही है। हाँ कोई अच्छा सा गाऊ ना। हे बापूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी। अरे धीरे ही तो चला रहा हूँ, इससे धीरे चलाया तो पहुँचने में रात हो जाएगी। अरे अरे मैं तो गाना गा रही थी। अरे इसकी पेट्रोल खत्म हो रही है। अरे वाह सामने ही पेट्रोल पंप है, जल्दी इसमें पेट्रोल भर लेता हूँ। लेकिन इधर कोई आदमी क्यों खड़ा नहीं है, कौन हमारा पेट्रोल भरेगा। अरे तू उतर के डाल देना पेट्रोल। चलो ठीक है, हो गया राजू भाई चलो। चलो हम पहुँच गए, वो देखो हमारा ओल्ड हाउस। लेकिन हाउस को हम ट्रक पे उठाएंगे कैसे। चलो ओल्ड हाउस को मैंने ट्रक से जोड़ दिया, अब सभी जल्दी बैठ जाओ, शाम होने ही वाली है। अरे इतनी बड़ी हाउस को ये छोटी ट्रक ले जा पाएगी। हाँ ये आर्मी टैंक है, इसका इंजन बहुत पावरफुल है। अरे ये माइकल मेरे पास क्यों बैठ गया। उसे डर लग रहा था कहीं ओल्ड हाउस उसके ऊपर न गिर जाए। अगर हाउस गिरी तो पूरी ट्रक उलट जाएगी। नहीं मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। अबे चुप, नहीं तो अभी धक्का दे दूंगा। अरे तुम लोग ज्यादा हिलो मत, चुपचाप बैठे रहो, ये ट्रक इधर उधर जा रही है और सामने ही रेलवे स्टेशन है, अगर उससे टक्कर हुई ना। अरे अरे राजू भाई संभल के। अरे कुछ नहीं होगा, भूल गए क्या अपुन नाक पड़ेगा राइडर। ये माइकल का घर तो हमारे ओल्ड हाउस से भी छोटा है। हाँ ये माइकल तो बहुत गरीब हो गया, इसे फिर से मिलीनियर बनाना पड़ेगा। ए अंधा मंदा फाका मिलीनियर। ये गाना नहीं गाली है। तू चुप कर, खुद चुड़ैल जैसा गाना गाती है। अरे तुम लोग फिर से लड़ना चालू हो गए, अभी कोई चिल्लाना मत, हम ग्रैनी हाउस के पास से ही जा रहे हैं। हाँ राजू भाई एकदम धीरे धीरे बोलूंगा। चलो हम पहुँच गए, अब फटाफट इस हाउस को पुलिस स्टेशन के पास खाली जगह पे लगा देते हैं। ये मारी छलांग। वाह हमारे दोनों हाउस एक साथ ही है। चलो थोड़ा हाउस के अंदर जाया जाए। मुझे तो अलग रूम चाहिए। हाँ सबको अलग अलग बेड और रूम मिलेगी, हमारी ओल्ड हाउस बहुत बड़ी है। अरे पोपलू अब तू कैसे फंस गया। वो हे हंस क्यों रहा है, जल्दी निकल नहीं तो कमला आके तुझे ही पहले मारेगी। चलो सभी आ जाओ, तुम लोग ना बहुत देर करते हो, ज्यादा देर करोगे तो मैं तुम लोगों को घर में घुसने नहीं दूंगा। अरे नहीं राजू भाई हम आ रहे हैं। इसी मशीन से डॉक्टर झटका ने एलियन को कॉन्टेक्ट किया था ना। हाँ इसी से ही किया था, लेकिन अभी ये खराब हो चुकी है। चलो इसको बाद में ठीक करके देखेंगे, अगर इस मशीन से एलियन हमारे शहर में आ सकता है तो हम भी उनके प्लेनेट पे जा सकते हैं। हाँ फिर तो बहुत मजा आएगा। पोपलू गिर गया। चलो आ जाओ मैं तो जा रहा हूँ अंदर। अरे चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, हम जाए तो जाए कैसे। अरे मैं जिधर से आया उधर से आओ ना, रुको मैं इन पत्थरों को हटाई देता हूँ। अरे बाहर राजू भाई ये अपने कैसे किया। चीन टपाक टम टम। चलो फटाफट अंदर आ जाओ, रात होने से पहले हमें घर का सारा काम खत्म करना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ चला चला। अरे अब ये माइकल पीछे क्यों रह गया, वो आ गया। चलो सभी अंदर जाओ, ये नीचे पहले से एक बेड लगा हुआ है, इसमें हड्डी मैन सोएगा, अगर कमला इधर आई भी तो इसे देख के भाग जाएगी। हाँ इस हड्डी मैन के पास तो खून ही नहीं है तो कमला इसको क्या मारेगी। कमला इज बैक। ग्रैनी बुड्ढी चल मेरे साथ, आज राजू और माइकल की कहानी खत्म कर देते हैं। जल्दी आओ मेरे पीछे। ग्रैनी बुड्ढी जल्दी कर, इतना धीरे चलेगी तो कैसे चलेगा, और ये जोम्बी टकला क्या कर रहा है। चलो कमला मैं आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आ जा। ए मसक कली। ये ले मेरी कुल्हाड़ी का शॉट। अरे अरे क्या हुआ, तू उड़ गया। ये ले पूरा टकला चीर दूंगी। अरे कमला इनको मार क्यों रहे हो। वो मैं इस कुल्हाड़ी की धार देख रही थी, माइकल और राजू को ऐसे ही मारूंगी। अरे नहीं मेरा भाई, उसको मैं जिंदा कर दूंगी। अभी तुम लोग आओ मेरे पीछे पीछे, आज होगी मौत का नंगा नाच। रुक जाओ कमला हम लोग भी आ रहे हैं। जल्दी आओ, ये राजू का ओल्ड हाउस इधर क्या कर रहा है। अच्छा ये है एलियन का मशीन। ये ले मेरे होते हुए कोई दूसरा यहाँ पर तबाही नहीं मचा सकता। अरे नहीं नहीं कमला आ रही है। अच्छा तुम लोग सभी इधर हो। अरे सभी जल्दी मंत्र पढ़ो नहीं तो कमला हमें मार देगी। चले जा कमला नहीं तो गोली से भून दूंगा। कमला को बंदूक दिखाते है। अबे चल हट। वाह मार डाला रे। कमला मेरे दोस्तों को कुछ मत करना। तेरे दोस्तों को भी मारूंगी।
मेरे सर के अंदर कुल्हाड़ी घुसा दिया रे। सबको मार दूंगी। अबे माइकल तू उठ कैसे गया? चल निकल। अबे तू फिर से उठ गया? कितनी हेल्थ है तेरे पास? और कौन जिंदा है? हड्डी मैन, चल चड्डी पहन के आजा। कमला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे टकले तू अभी भी जिंदा है? वाह वाह छोड़ दे, तूने माइकल को मार के अच्छा नहीं किया। उसको तो मार के पेड़ में लटका दूंगी। ये ले, चलो ग्रैनी काम खत्म हो गया और सुबह होने ही वाली है, जल्दी चलो। अरे सभी ठीक हो ना? हाँ राजू भाई, हम लोग तो फिर से जिंदा हो गए, लेकिन ये माइकल नहीं उड़ रहा है। अरे नहीं, ये टपक तो नहीं गया? माइकल, ये माइकल। अरे अरे ये तो जिंदा है। चलो सभी जिंदा बच गए। अच्छा हुआ हमने डॉक्टर झटका की बनाई हुई रिस्पॉन गोली खा ली थी, जिसके वजह से हम लोग फिर से एक बार जिंदा हो गए। लेकिन हमारे पास और गोली नहीं है, और गोली बनाने वाला डॉक्टर झटका भी नहीं है। तो आज रात को अगर फिर से कमला आ गई तो हम लोगों का खेल खत्म। तब तो फिर हमें उसको जल्दी खत्म करना पड़ेगा। हाँ सभी अब न्यू हाउस चलो। राजू भाई ये हम क्या कर रहे हैं? हम इस एलियन सूट में और भी शक्ति डाल रहे हैं, जिससे कि ये कमला का मुकाबला कर सके। चलो सभी मंत्र पढ़ो जल्दी, रात के 12 बजने से पहले हमें एलियन सूट को पावर देना पड़ेगा, नहीं तो वो कमला हमारा खेल खत्म कर देगी। हाँ हाँ मंत्र पढ़ता हूँ। ओम चामुंडे एलियन का मुंडे, शक्ति घुस जा ब्राउन मुंडे। बोलो ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे। हो गया हो गया, हमारे एलियन सूट के अंदर पावर आ गया। अब मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग सभी इधर रह के मंत्र पढ़ते रहना, जब तक मैं उस कमला को मार के इधर नहीं आ जाता। चलो फिर इस सूट के अंदर घुसा जाए। चलो आ गया इस मॉडिफाई सूट के अंदर। पोपलू सबका ध्यान रखना, मैं उन भूतों को मार के आता हूँ। राजू भाई मैं भी जाऊंगा आपके साथ। नहीं क्यों नहीं जा सकता राजू भाई, मुझे उस टकले जॉम्बी को मारना है। ठीक है चल, लेकिन बाकी लोग इधर ही मंत्र पढ़ते रहो, क्योंकि मेरे पास ही सिर्फ एलियन का सूट है तो मुझे कुछ नहीं होगा। फिर मेरा क्या होगा, मेरे पास तो पावर ही नहीं है। रुक जा मैं तुझे भी पावर दे देता हूँ, जिससे तुझे कोई नहीं मार पाएगा। अब तुझे मैंने अनलिमिटेड हेल्थ का पावर दे दिया है। सच राजू भाई? हाँ हाँ जल्दी आ जा। आ गया आ गया। ओए कमला भूतनी के कहाँ छुपी है, बाहर निकल। वो राजू भाई फाइट शुरू हो गया। वो तेरी की, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? ये ग्रैनी और जॉम्बी इतने सारे कैसे हो गए? पता नहीं, लगता है कमला ने एलियन मशीन का यूज किया है। हाँ मतलब कल जो एलियन आया था वो ऐसे ही डबल हो गया था। हाँ और इन लोगों के पास एलियन का वेपन भी है। अरे राजू भाई ये लोग क्या मार रहे हैं, कुछ करो। चलो सुबह हो गई, अब कमला की शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। अबे ये क्या चीज है भाई? आई एम हल्क राजू, ये लो आँख की लपटे। जला डाला रे। हाँ राजू भाई जला डाला सबको। अरे पोपलू किधर चला गया? पोपलू? राजू भाई कमला ने मुझे पकड़ लिया। कमला छोड़ दे मेरे पोपलू को। अरे बाप रे इतने सारे कमला, ये लोग तो फुल तबाही मचाएंगे। ये ले राजू एलियन गोली खा। ये गोली से अब मेरा कुछ नहीं होगा, तुम लोग ये लो। जला डाला रे। कमला बिमल पान मसाला जल के कैसा लग रहा है? अब देता हूँ तुम लोगों को इस दुनिया से मुक्ति। अरे मैया रे, अरे मैया रे, ग्रैनी बुड्ढी मार इसको। उसे भी जला डालूंगा, पहले तुम लोग तो ठीक से जल जाओ। ये ले और चिल्लाओ, हम लोगों को रात में बहुत मारा था ना, अब दिन में मैं मारूंगा। वो तेरी, मैं फिर से नॉर्मल हो गया, एलियन सूट का पावर खत्म। चलो कोई ना बाकियों को भी जला देता हूँ। राजू तेरा पोपलू। अरे हाँ मेरा पोपलू किधर है? पोपलू? अबे आगे मत आना। अरे नहीं पोपलू तो इधर नहीं है, लेकिन वो गायब कहाँ हो गया? थोड़ा बाहर ढूंढता हूँ। अरे नहीं कहीं भी नहीं है। तेरा पोपलू तो गियो। क्या कहाँ गियो? उसको एलियन लेके चला गया। अरे नहीं डॉक्टर झटका के साथ साथ पोपलू भी चला गया। अब मुझे एलियन प्लेनेट पे जाके दोनों को वापस लाना पड़ेगा।